जय हिंद साथु। अभी हमने नवोदय विद्यालय से जैसे मैं छूटा यहाँ से निकला दो दिन पहले, बहुत सारे भाई लोग लगातार कमेंट करने स्टार्ट कर दिए, क्या भैया मन लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। बहुत लोग कमेंट करके पूछने लगे कि भैया रिजल्ट कब आएगा इस चीज़ को लेकर भी। और बहुत लोगों तो मतलब बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे थे, एक भी कोई हेटर कमेंट्स नहीं थे, मतलब बहुत अच्छे कमेंट आ रहे थे आप सभी का कि भैया रिजल्ट में क्या होगा, सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लोगों का ये बहुत कमेंट था ये सब चीज़ को लेकर। चलिए सब डाउट आप सभी क्लियर करते हैं, क्योंकि आपने हमारे लास्ट वीडियो तो जरूर देखी ही होगी, नीचे लिंक दिया है, जिन्होंने नहीं देखा है देख सकती हूँ। जिस बच्चे को नहीं पता है, मेरा नाम है अमरजीत कुमार, मैं बिलोंग करता हूँ जोहार नवोदय विद्यालय से, लेकिन फिलहाल मैं अभी नवोदय विद्यालय का छात्र ही हूँ, लेकिन यहाँ से टीसी नहीं लिया हूँ, लेकिन अभी मेरे को यहाँ से निकाल दिया गया है क्योंकि अपने क्लास 12th एग्जाम दिया फाइनल, तो सभी अपने अपने घर चले गए। तो अभी दो महीने के बाद जब मैं वापस नवोदय विद्यालय में जाऊंगा टीसी लेने के लिए, तो वह सब चीज़ें तो आप सभी को पुराने वीडियो में बताया था, और ये शायद वीडियो आप सभी को कुछ दिन बाद आ रही है। कल शाम में मेरे को मन नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, हाँ, क्योंकि साथ वो जहाँ पे हमने 7 साल व्यतीत किया क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, वहाँ छोड़ के जाना पड़े और यही घर में अकेले पढ़ाना पड़े, तो शायद बिल्कुल भी मन नहीं लगता है अपने दोस्तों को छोड़ना, वो सब चीज़ें आप लोग खूब समझ सकते हो। ये सब चीज़ें जो हॉस्टल लाइफ अगर अच्छे तरीके से जिए हम लोग सभी का, बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। चलो अब मेन टॉपिक और चलते हैं, जो होगा तो आप सभी के सामने ही है। और आप लोग का सच सच्चा बता रहा हूँ, इतना अच्छा प्यार आता है ना आप सभी का, मैं हमेशा पर्सनल नंबर शायद शेयर करता था और उसी का देन है कि अभी तक एक भी गलत कमेंट नहीं, एक भी हेटर कमेंट नहीं, क्योंकि साथ वो जो भी रहता है नवोदय विद्यालय के अपडेट रिजल्ट को लेकर, इसमें कैसे सिलेक्शन होता है, क्या प्रोसेस होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इत्यादि सब कुछ आप सभी को क्लियर करता था। और आज तो मैं अपने घर में हूँ, अभी बिल्कुल मेरे को मन नहीं कर रहा था क्योंकि अंदर से कुछ मोटिवेशन ही नहीं आ रही थी वीडियो बनाने के लिए कि मैं आप सभी के समक्ष जो है नवोदय विद्यालय के ऊपर वीडियो बना कर लाऊँ, कोई अच्छा सेटअप भी नहीं तैयार किया है अपने। और देखो जब तक मैं रहूँगा इस विद्यालय में, अभी तक तो मैं 2 महीने के लिए नाम रहा केवल, अभी 2 महीने बाद जो मैं वापस जाऊँगा अपने विद्यालय, 1 महीने बाद जाऊँगा वहाँ टीसी लेने के लिए, तो वो सब चीज़ आप सभी के ऊपर शेयर करूँगा। लेकिन इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ कि नवोदय विद्यालय से जुड़े रिलेटेड और आप सभी के समक्ष जो भी हमारे वीडियो आएंगे, शायद अपनी तरह से पूरा फुल एफर्ट लगाकर सबसे अच्छी वीडियो लाने का मैं प्रयास करूँगा। कुछ अपडेट आप सभी को रिजल्ट को लेकर ही बता देता हूँ, क्या रिजल्ट को लेकर अपडेट है। और उससे पहले साथियों मैं देखा कि देखो यार, मैं जैसे ही परसों में वीडियो बनाया था, परसों नहीं 4 दिन हो गए जब नवोदय विद्यालय से निकल रहे थे, परसों, हाँ परसों ही मैंने वीडियो अपलोड किया था, अच्छा खासा देखने को प्यार मिला आप सभी का, लगभग 3000 के आसपास व्यू भी गए और लोगों ने बहुत अच्छा मेरे को बताया भी, कॉल करके पर्सनली पूछने लगे। कुछ भाई लोग तो शायद रो भी रहे थे, बहुत लोग कमेंट करने लगे कि भैया आपका वीडियो देख कर शायद रिप्लाई भी आ गया। देखो यार सच्चाई बताऊँ तो अंदर से मेरा भी यहाँ पे दिल खमखा हो जाता है जब नवोदय विद्यालय के बारे में सोचता हूँ, तो क्योंकि जहाँ पे मैंने 7 साल व्यतीत किया था, जारी सी बात है छोड़ के जाना बिल्कुल ही मन नहीं करेगा, वो सब चीज़ें वो शायद आप लोग का सपना है नवोदय विद्यालय के लिए। तो आई होप मैं भगवान से ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग को जल्दी से जल्दी नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन करें और आप लोग 7 साल अच्छे तरीके से यहाँ रहें और अपने आगे के फ्यूचर की तैयारी अच्छे तरीके से करें। चलिए उससे पहले एक और छोटी सी कहूँगा, देखिए मैं किसी का बुराई नहीं बताता हूँ, किसी का उतना वो नहीं करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं, मैंने देखा कि नवोदय विद्यालय के नाम के ऊपर स्कैम फ्रॉड कर रहे हैं। मैंने तो 2-3 दिन से शांत था इस चीज़ को लेकर, क्योंकि अपने मैं टेंशन में था कि नवोदय विद्यालय छोड़ के जाना पड़ रहा है यार कोई नहीं, और उस चीज़ को लेकर सन्मान बहुत लोग कमेंट कर रहे थे लगातार कि वो स्कैम फ्रॉड करना स्टार्ट कर चुके हैं फिर से दोबारा से, क्योंकि हमने वीडियो बनाना 4-5 दिन से बंद कर दिया था, तो और लोगों को लगा कि ये नवोदय से निकल गया है जो लोग वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पर। मैं किसी का बुराई नहीं बात कर रहा हूँ, और उस चीज़ का बहुत अच्छा से फ़ायदा उठा है, क्योंकि जब मैं नवोदय विद्यालय में था तो अच्छे तरीके से रेल रहा था उस के पीछे, कुछ अपने भाई लोगों को रख कर वहाँ पर नवोदय के स्टूडेंट के साथ, तो कुछ लोगों का ये फेक जो है यहाँ पर बना रहे हैं, बोला जा रहा है कि आप मेरे को इतना पैसा दे दो तो आपका नवोदय में सिलेक्शन करा दूंगा, ये सब चीज़ें छोटी मोटी ये, लेकिन हकीकत में उन लोगों को कौन बताए, नवोदय विद्यालय में ये सब चीज़ें नहीं होता है। एक गरीब फैमिली के बच्चे का किसी पेरेंट्स देखेंगे तो जाहिर सी बात है हर एक पेरेंट का सपना होता है नवोदय विद्यालय में अपने बच्चों को भेजने के लिए, और वो हो सकता है उस बहकावे में वो आ जाए और शायद गलत कदम उठा ले, मतलब कि वो पैसा वैसा दे दे उस लोगों का और नवोदय विद्यालय में बच्चों का सिलेक्शन कराने के लिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। वो फ़ोन करके कोई लोग बोल रहे हैं वो स्कैमर है, फ्रॉड है, नवोदय विद्यालय एक सच्चा इस विद्यालय के लिए जाना जाता है, ये ऐरी गरीब विद्यालय नहीं है कि आपके कहने पर और नवोदय विद्यालय में असिलेक्शन हो जाएगा, वो आपको पैसा देने पर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाएगा, नवोदय विद्यालय में इस प्रकार का कभी नहीं होता है। आपका ईमानदारी पर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होता है, आप अगर एग्जाम दिए हैं तो नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होता है। और कुछ लोग बता रहे हैं कि नवोदय विद्यालय में जाने के बाद इंटरव्यू वगैरह भी होता है, भाई 7 साल रहा है हमने और अभी शायद 2 दिन पहले ही मैं निकला हूँ, अभी 48 घंटे भी ठीक से नहीं हुए हैं मेरे यहाँ पे आए हुए, तो सोच लेना भाई कम से कम उतना एक्सपीरियंस है मेरे पास। हमारे 2 भाई है अपने जो भी नवोदय विद्यालय में रहते हैं, कभी इंटरव्यू नहीं होता है, बच्चे को मन को
करने का प्रयास किया जा रहे हैं। यहाँ पर मैं वीडियो में देख रहा हूँ कि जो बच्चे नवोदय विद्यालय में जाना चाहते हैं भाई, उनको थोड़ी सी लगेगी कि मैं इंटरव्यू दे पाऊँगा कि नहीं दे पाऊँगा। नवोदय विद्यालय में कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है, आपका सिलेक्शन हुआ है तो 100% गारंटी एडमिशन होगा। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स के कारण बहुत लोगों का छूट जाता है सब चीज़ें, हाँ होता है वो सब चीज़, लेकिन कुछ गलत फ्रॉड स्कैम नवोदय विद्यालय के ऊपर कोई नहीं कह सकता है, कोई आँच नहीं लगा सकता है कि नवोदय विद्यालय में इस प्रकार का देखने को मिलेंगे। और चलिए अब मेन टॉपिक पर चलते हैं, वैसे तो आप सभी से 5 मिनट तक शायद बात कर ली, इसके लिए शायद क्षमा चाहूँगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा भाई, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए क्योंकि उसी से मेरे को मोटिवेशन आती है, और लाइक कर दिया कीजिए जरूर, और जितना हो सके दोस्तों के पास जरूर शेयर किया कीजिए। अब चलिए, आप लोग रिजल्ट को लेकर इंतजार कर रहे थे बहुत लोग, कल मैं रात को लाइव भी आया था लेकिन मेरे यहाँ नेटवर्क बहुत ज़्यादा इशू था तो हमने लाइव अच्छे तरीके से नहीं कर पाए थे। लेकिन वही 10-15 मिनट बार बार कट जा रहा था, फिर भी मैं वापस आता, फिर कट जाता, फिर वापस आता, इस प्रकार से चल रहे थे। लेकिन साथियों आप सभी को जानकारी लिए बताता हूँ, जो बच्चे रिजल्ट को लेकर इंतजार कर रहे हैं, आपका जो रिजल्ट है नवोदय विद्यालय का, वो बताया जा रहा है, कुछ लोग बता रहे हैं कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आएगा। देखो मेरे 100% कन्फर्म कोई नहीं बता सकता है, यहाँ तक कि मैं भी नहीं बता सकता हूँ। लेकिन हमारे जो टीचर थे जो एडमिशन लेते थे, हमारे यहाँ के सर जो थे उन्होंने जो एडमिशन लेते थे, तो उन्होंने डायरेक्ट बताया हमको, जैसे हमें लास्ट दिन परसों ऐसे नॉर्मली पूछा सर अब यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन मेरे भाई लोग हैं बहुत लोग उनका नवोदय विद्यालय में रिजल्ट को लेकर इंतजार कर रहे हैं कब रिजल्ट आ जाएगा इसको लेकर, तो वो जो एडमिशन लेते थे उन्होंने सर बताया कि 16-17 मार्च को नवोदय विद्यालय में रिजल्ट जो है आ जाएगा शाम को, ये बताया उन्होंने। तो वही आप सभी को वीडियो के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ। उसके पहले रिजल्ट जो रेगुलर जारी कर रहे हैं, अभी हजारों को वीडियो में रिजल्ट जारी हो जा रहा है, फेक प्रमोशन किया जा रहा है, गूगल पर जाकर ये सर्च करो, अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट्स आप लोग शेयर कर रहे हो, पर्सनल डॉक्यूमेंट किसी भी हाल में ना शेयर करें, यही बेहतर होगा आप सभी के लिए। और जो भी खबर आएगी आपका भाई आप सभी से जुड़ा हुआ है, जो बच्चे नवोदय विद्यालय में आना चाहते हैं अच्छे तरीके से मन लगेगा, पढ़िए आपके छोटे भाई होंगे वो पढ़ाई कीजिए अच्छे से, नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं होते। और क्योंकि साथियों नवोदय विद्यालय जो भी चीज़ देते हैं यहाँ पर, हमको हर चीज़ ये नहीं मैटर करता कि आपका पढ़ाई लिखाई नवोदय विद्यालय में, लेकिन नवोदय विद्यालय में जब जाओगे ना तो यहाँ का दोस्ती, यहाँ पे बच्चों के साथ घूमना, अरे इतना अच्छा लगता है भाई। एक सही बताओ, ज़िंदगी में कितना भी खर्च कर लेना, लाखों अरब खरब जितना होता है खर्च कर लेना, नवोदय विद्यालय में जो सुकून मिलेगा वो शायद कहीं मिलेगा, सच्चाई बता रहा हूँ। और ये सब चीज़ें थोड़ी याद तो आती ही है मेरे को भी, लेकिन इतना मैं कहना चाहूँगा जो बच्चे नवोदय विद्यालय में आना चाहते हो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो, तैयारी करो, हो जाएगा सिलेक्शन, और आपके साथ मैं सदा खड़ा रहूँगा। बहुत लोग कमेंट करें, मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि अब तो नवोदय विद्यालय के ऊपर वीडियो नहीं आ पाएगी, लेकिन इतना कमेंट आना स्टार्ट हो गया कि भैया जरूर आप नवोदय विद्यालय के ऊपर वीडियो लाया करो। और इसी के देखते हुए हमने ये डिसीजन लिया कि नवोदय विद्यालय के ऊपर मैं वीडियो जरूर लाऊंगा आप सभी को। घर की होता क्या हुआ, आप लोग तो मेरे को जान ही रहे हो तो वो सब चीज़ें। और चलो यही वीडियो को एंड करता हूँ, आपको बता दिया, क्लियर कर दिया नवोदय रिजल्ट कब आएगा यहाँ पर, और बहुत लोग कट ऑफ लेकर भी टेंशन में थे। देखो मैं अपना पर्सनल फोन नंबर शेयर कर देता हूँ, ठीक ना, आप लोग कॉल नहीं करना, व्हाट्सअप करना, कॉल नहीं करना भाई, क्योंकि कॉल करो तो मैं कितने कॉल रिसीव कर पाऊँगा। देखो नीचे मैं नंबर शो कर दे रहा हूँ, यहाँ पर दिख रहा होगा 7667850793, इस नंबर पर जाकर कोई भी जानकारी लेना चाहता हूँ नवोदय विद्यालय के ऊपर डायरेक्ट ले सकते हो, तो कॉल नहीं कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा। तो ये वीडियो एंड करता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।